कैसे अब गाजियाबाद को लेकर मामला और ज्यादा विवादास्पद हो गया है। बुजुर्ग की पिटाई मामले से शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। इस केस में अब एक स्थानीय नेता का कनेक्शन सामने आया है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में उम्मेद पहलवान नाम के स्थानीय नेता पर केस दर्ज कर लिया है। पहलवान पर सोशल मीडिया में जहर फैलाने का आरोप लगाया गया है। FIR के मुताबिक उम्मेद पहलवान ने सोशल मीडिया में वीडियो डालकर अनावश्यक सामाजिक नफरत फैलाने की कोशिश की है। इस बीच इस मामले में दो और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इंतजार और बोडा नाम के दो आरोपियों को गाजियाबाद पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इंतजार पूरे केस के मास्टरमाइंड का है। वही तावीज बनवाने के लिए बुजुर्ग के पास ले गया था। और इस पूरे विवाद में दरअसल अब्दुल समद सैफी का नया बयान सामने आया है। कल बुलंदशहर में सैफी ने आरोप लगाया कि उसे जान से मारने की कोशिश की गई। सैफी के मुताबिक उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। उससे यह भी बताया कि ताबीज की बात झूठी है और वो ताबीज का कोई काम नहीं करता है। नहीं जानता मैं तो, ये तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। कोई नहीं जानता और ना कोई मुसलमान सब से मान लगा रहा, ना कोई कहानी आ रही है बनाने को, कुछ ही बना झूठा इल्जाम लगाओ, कुछ भी लगा ऐसा कोई पता नहीं। मैं तो जानता नहीं कोई झूठा इल्जाम लोग नहीं, मैं तो मजाक। मैं भैया पुलिस वाले ले गए लेबा के, बयान हुए मेरे। बयान होने के बाद में पुलिस वालों ने मेरी इतनी मदद करी है, इतनी कार्रवाई करी है। उन्होंने एक मुलजिम को भेज दिया है और एक मुलजिम को दो मुलजिम और भेज रहे हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद करी है, आप सब उनके शुक्रगुजार हैं। जितने भी मेरी वीडियो देखी है सब उनका शुक्रगुजार करें बस। पुलिस ने अब्दुल समद सैफी के सारे इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया है। गाजियाबाद के SP ग्रामीण के मुताबिक सैफी ने FIR में कई तथ्य छिपाए हैं। ताबीज के काम ना करने का दावा भी जांच में सही नहीं पाया गया। अभी तक उन्होंने पैसे प्रॉपर तरीके से अभी तक बयान भी उन्होंने आके नहीं दिए, कई बार हमने उनको बुलाया है। और रही बात FIR की, जिसके बारे में वो क्लेम कर रहे हैं कि एक तहरीर उन्होंने पहले दी थी फिर दूसरी बाद में दी थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी लिखाई गई तहरीर पर ही मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उनके द्वारा FIR लिखाने में कई सारे तथ्य छुपाए गए थे, जैसे कि ऑटो में कुछ लड़कों द्वारा जबरदस्ती पकड़ के ले जाना। दूसरा पॉइंट था कि अज्ञात लड़के होना। तीसरा, उन्होंने और उनके घर वालों ने लगातार, उनके बेटे ने इस तरह के क्लेम्स किए कि हम तावीज का और इस तरह के काम नहीं करते हैं। तो ये सारे क्लेम्स जो है, हम लोगों की जाँच में सारे क्लेम्स ये रिजेक्ट हुए। हाँ, घटना हुई है, इनके साथ मारपीट की घटना हुई है, अभद्रता इनके साथ कुछ लड़कों ने की है, वो बिल्कुल सही बात है, उस बात के लिए इनसे बहुत सहानुभूति है। तो गाजियाबाद SP ग्रामीण के बयान के मुताबिक बुजुर्ग अब्दुल समय सैफी के दावे गलत हैं। आइए अब आपको दिखा देते हैं सैफी के तीन दावे और पुलिस का बयान। समद सैफी ने कहा कि उन्हें ऑटो में जबरन बैठाया गया और ऑटो में ही कुछ लोग जबरदस्ती उन्हें ले गए। पुलिस का यह कहना है कि ये दावा गलत है। इसके साथ ही सैफी के मुताबिक जिन लोगों ने उन्हें पीटा वो उसे नहीं जानते थे और पुलिस ने इस दावे को भी गलत बताया है। अज्ञात लड़कों ने हमला किया, ये अब्दुल समद सैफी का कहना है। हालांकि पुलिस इसे खारिज कर रही है। सैफी के मुताबिक वो ताबीज का काम नहीं करते हैं, लेकिन पुलिसिया जांच में ये दावा भी गलत पाया गया है। इसके साथ ही अब इस मामले में सियासत तेज हो गई है। क्या कहना है AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का, आइए आपको सुनवाते हैं। बेटे ने जो बात कही है, उनका बेटा ये कह रहा है, फिर इसमें गलती क्या है? उसमें क्या किसी को इजाजत दे देंगे आप? क्या लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का खराब नहीं है कि कोई किडनैप कर लेगा किसी को भी, ऑटो में से किडनैप करेगा, ले जाकर पीटेगा, मारेगा? ये लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी नहीं होगी आदित्यनाथ सरकार की कि दिन दहाड़े किसी का किडनैप हो गया? पुलिस को कंप्लेन दी है, मगर जब पुलिस ने यह कह दिया कि ताबीज
वो जानते थे, उनका बेटा कह रहा है कि हम जानते ही नहीं है उनको। वो बुजुर्ग ये भी कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा था, मुझे ऑटो में बिठाया गया। वो बुजुर्ग ये भी कह रहे हैं कि मुझे रिवॉल्वर लगाई गई। वो बुजुर्ग ये भी कह रहे हैं कि 3 घंटे तक मुझे मारा गया। वो बुजुर्ग की बात उनका बेटा भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा है। उनका बेटा कह रहा है कि हमने लिखकर कंप्लेन दिया। तो अब बुजुर्ग के बेटे का यकीन करेंगे या किसका यकीन करेंगे? उस बेटे का यकीन करेंगे जिसके बाप को मारा गया, पीटा गया। और गाजियाबाद के इस मामले में ट्विटर भी घिर चुका है। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर पर केस दर्ज किया है। देश में ट्विटर के खिलाफ पहली एफआईआर है। नई सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर सरकार से जारी टकराव के बीच इस एफआईआर से अटकलें तेज हो गई हैं और अब ट्विटर क्या करेगा? वो भी क्या दिन था, क्या मुलाकात थी, मुस्कुराहट थी, हंसी मजाक था। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी। लेकिन 3 साल भी नहीं बीते, तलवारें चलने लगी। भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर भारत में आपको व्यापार करना है, आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अमेरिका की, स्वागत है, व्यापार करिए, करोड़ों अरबों कमाइए, लेकिन भारत के कानून और भारत के संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। देश की सोशल मीडिया पॉलिसी पर ट्विटर के रुख के बाद से ही सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी चल रही है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में ट्विटर के खिलाफ केस से ये मामला और गर्मा गया है। ट्विटर और ट्विटर इंडिया के खिलाफ ये देश में पहली एफआईआर है। ये कोई धार्मिक उद्देश्य से की गई, इसके पीछे जो भी व्यक्तिगत कारण था वो स्पष्ट रूप से निकल आया। हमने जब इंडिपेंडेंट एविडेंसेस को स्टडी किया तो उसमें भी पाया कि हाँ, ये घटना के जो सीक्वेंस बताए गए हैं वो वेरीफाई हो रहे हैं और ये लोग अज्ञात नहीं है, एक दूसरे से पूर्व के परिचित हैं। घटना का कोई जंगल में होना नहीं पाया गया, बल्कि कोई कम्युनल एंगल नहीं था। बिल्कुल कोई कम्युनल एंगल नहीं, अभी मैंने बताया, कोई भी धार्मिक इसका एंगल, कम्युनल एंगल, सांप्रदायिक नहीं निकल के आया। और सही गलत जो भी रीजन उन्होंने बताया, उस रीजन के चलते उनके द्वारा ये मारपीट की घटना की गई, जिसमें हम लोग ने एक्शन लिया, 3 लोग गिरफ्तारी करी, शेष लोग गिरफ्तारी होने वाली है। तो ऐसे में इस पूरे इवेंट को जिस तरीके से सोशल मीडिया पे रखा गया वो गलत नियत के चलते रखा, इसीलिए हमने कल एक एफआईआर जो दर्ज करी उसमें 7 लोगों के खिलाफ हमने नामजद और ट्विटर, ट्विटर इंडिया के खिलाफ हमने एफआईआर का फर्स्ट ड्राफ्ट किया है। अभी भी हमको लगता है इसमें और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, जिसको हमारी टीम स्टडी और ट्रैक कर रही है। ट्विटर ने अब तक नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया है, लिहाजा ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण खत्म हो गया। गाजियाबाद मामले में दर्ज एफआईआर से अब तय है कि ट्विटर को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ट्विटर पर आरोप है कि गाजियाबाद के मामले में ट्विटर ने फेक न्यूज फैलाने वाले ट्वीट नहीं हटाए, जबकि वो फेक न्यूज के खिलाफ सख्त नियम का दावा करता रहा है। ट्विटर जो है एक कंपनी है और भारत में अगर उसको रहना है तो संविधान संविधान कहना है, भारत के कानून से ऊपर ट्विटर नहीं है। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ट्विटर को मौका दिया गया था कि जो नए इंटरमीडियरी रूल्स हैं उसके तहत वो कंप्लायंस करे, और जो उसके अधिकारी हों वो भारत में हों, उन्होंने फैसला किया कि हम भारत के कानून और संविधान से ऊपर है, हम नहीं अपॉइंट करेंगे। तो जो सुरक्षा कवच मिलता है प्लेटफॉर्म होने का, उनके पास से हट गया। गाजियाबाद के मामले में ट्विटर पर वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस के मुताबिक एक निजी मामले को धार्मिक रंग दिया गया था, नफरत और तनाव फैलाने वाली पोस्ट की गई। ऐसे में ट्विटर पर सवाल उठे कि उसने अपने स्तर पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग होने दिया। ट्विटर पर मनमानी का आरोप इसलिए भी लगा क्योंकि जो ट्विटर फैक्ट चेक को लेकर बहुत उत्साह दिखाता है, वो गाजियाबाद जैसे फर्जी मामलों में किसी तरह की कार्रवाई करने में नाकाम रहा। सरकार का आरोप है कि ट्विटर किसी पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से देता है। ये फेक न्यूज से लड़ने में ट्विटर की मनमानी है। भारत जैसे देश में सोशल मीडिया पर एक छोटी सी चिंगारी भी आग लगा सकती है। फेक न्यूज के खतरे बड़े हैं, इसे रोकना ही नए आईटी नियमों का मकसद था, लेकिन ट्विटर ने इनका पालन नहीं किया। ट्विटर का सरकार से टकराव नया नहीं है, लेकिन पहली बार ट्विटर फंसा है तो अब ट्विटर क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। नियमों के पालन में देरी पर ट्विटर ने नई वजह बताई है।
ट्विटर ने कहा है कि वो भारत में अपना लोकल ऑफिस बना रहा है। इसके लिए वो भारत में अपने कंसल्टेंट्स की सलाह ले रहा है। इसी की वजह से नए आईटी नियमों के मुताबिक एक कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करने में देरी हुई है। ट्विटर ने कहा कि उसे ये सलाह मिली है कि स्थायी तौर पर कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करने से पहले एक स्थायी ऑफिस बनाना जरूरी है। हालांकि उसने एक अंतरिम कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त कर दिया है। अभिषेक आनंद, अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इस पूरे मामले में देश के आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए बातचीत का कुछ अंश। मेरे साथ मौजूद है देश के आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। तो अगर हम कहें कि आपने ट्विटर की इम्यूनिटी छीन ली, ट्विटर की कानूनी एंटीबॉडीज नष्ट कर दी, ऐसा क्यों? देखिए श्वेता, पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने कुछ नहीं किया है, कानून ने किया है। आपके दर्शकों के लिए बताना जरूरी है कि 25 फरवरी को हमने नई गाइडलाइन बनाई, जिसके अंतर्गत आपको एक शिकायत के निवारण के लिए एक ग्रीवांस ऑफिसर, एक कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर बनाना था, ताकि आपके जो सैकड़ों करोड़ आपके यूजर्स हैं टोटल सोशल मीडिया के, अगर किसी की फेक न्यूज़ हो, किसी महिला को गलत तरीके से पेश किया जा रहा हो, बाकी हो, किसी जर्नलिस्ट को डिफेम कर रहे हैं, आतंकवाद को, तो उसके खिलाफ कोई शिकायत कर सके। बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज में ट्विटर भी, जिनके 50 लाख फॉलोअर्स हैं, उनको 3 महीने का वक्त दिया। ये 26 मई को समाप्त हो गया, 25 मई को। इसके बाकी लोगों ने पालन कर लिया, इनको अपॉइंट कर दिया। अब हमने ट्विटर को एक लास्ट मौका दिया गुडविल जेस्चर के रूप में कि आप पालन करें, तो उन्होंने कहा हमको एक हफ्ते का समय दीजिए। कभी एक वकील को बना दिया, जबकि कानून है कि आपका अपना एम्प्लॉय होना चाहिए। फिर कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं, कल तक कोई कंप्लायंस ऑफिसर नहीं था। तो इसके बावजूद एक हफ्ते की मियाद खत्म होने के बाद नए गाइडलाइन के रूल 7, ध्यान रखिए रूल 7 में इस बात का प्रावधान है कि अगर आपने इसका पालन नहीं किया तो आईटी एक्ट की धारा 79 के अंतर्गत इसका असर होगा, जो आपने बताया एग्जम्पशन की बात, कि आप प्लेटफॉर्म हैं तो अगर कोई गलत गलत बात करता है तो उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा, और दूसरा भारत की पेनल लॉज के प्रति भी उत्तरदायी है। तो रविशंकर प्रसाद या सरकार ने कुछ नहीं किया है, ये कानून के परिणाम के अनुसार हुआ है। तो क्या भारत में ट्विटर के दिन पूरे हो गए हैं, क्या हम ये माने? क्योंकि अंतिम जो मौका दिया गया था उसे नहीं अगर पूरा किया, और इस जो ये जो FIR है उसका क्या निष्कर्ष समझे? देखिए पहले FIR को मैं अलग से बोलूंगा, वैसे भी ज्यादा मेरा बोलना ठीक नहीं है क्योंकि मैं कानून मंत्री हूं, पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, करना भी चाहिए। पहले एक बड़े सवाल को समझिए, मैंने पहले भी आपसे चर्चा में कहा था, आज दोहरा रहा हूं, सोशल मीडिया भारत में अपना व्यापार करने के लिए आजाद हैं। लगभग 100 करोड़ से अधिक लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, बाकी का उपयोग करते हैं, कू इत्यादि का, अच्छी बात है। वो उन्होंने भारत के राजनीति में आम जनता को एम्पावर भी किया, वो सवाल पूछते हैं, खूब पूछते हैं, तीखे भी पूछते हैं, कभी कभी गाली भी पढ़ते हैं। आज कुछ प्रायोजित गाली रविशंकर प्रसाद को भी पड़ रही है ऐसा मुझे बताया गया है, उसका भी स्वागत है। वो नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करते हैं, वो भी करें, हमारी सरकार की करें, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि भारत का कानून आप क्यों नहीं मानेंगे, भारत का संविधान आप क्यों नहीं मानेंगे? अगर भारत के आईटी कंपनियां अमेरिका जाके व्यापार करती हैं तो अमेरिका का कानून मानती है कि नहीं मानती है? अगर भारत की दवा बनाने वाली कंपनी अमेरिका जाके अपना प्लांट सेटअप करती है तो वहां का कानून मानती है कि नहीं मानती है? तो भारत भी एक लोकतंत्र है श्वेता, संविधान है, परंपरा है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। आप मुझसे मीडिया आजाद है कड़े कड़े सवाल पूछ रही है ना, तो भारत का कानून भी मानना पड़ेगा। तो मोटी बात श्वेता यह है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई का भारत अपनी डिजिटल संप्रभुता पर समझौता नहीं करेगा, डिजिटल सॉवरेंटी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने लद गए श्वेता, और यह बात मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि पैसा मुनाफा भारत में कमाएंगे, कानून अमेरिका का पालन करेंगे। यह क्या हो रहा था? किसी महिला को शिकायत है, किसी व्यक्ति को शिकायत है, नहीं हम कुछ नहीं करते, अमेरिका जाकर शिकायत करो, ऐसा कैसे चलेगा? तो हमने कानून उसके लिए बनाया। अब जहां तक आपने गाजियाबाद के केस का की बात की, मैं इतना ही कह सकता हूं कि वो एक दुर्भाग्यपूर्ण ट्वीट था, सांप्रदायिक तनाव उन्माद फैलाने वाला ट्वीट था।
क्या ट्विटर का ये काम नहीं है कि वो इसकी देखभाल करें कि उचित है, हमें ट्वीट रीट्वीट करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए? आप कुछ को कहते हैं कि वो मैनिपुलेटेड मीडिया है, वो भी आपका अधिकार है। तो यहां पर इसके बारे में आपकी कोई तहकीकात नहीं करनी थी। और यहीं पर फिर वो बड़े सवाल उठाऊंगा जो शायद आपके साथ उठा चुका हूं कि अमेरिका के कैपिटल हिल पर हमला होता है तो आप तो रोक देते हैं, सैकड़ों का अकाउंट बंद कर देते हैं, वहां के उस समय के राष्ट्रपति का भी बंद कर देते हैं। लेकिन जब भारत के लाल किले पर हमला होता है किसानों के आंदोलन में, आतंकवाद समर्थक नंगी तलवार लेके क्या क्या करते हैं आपने टीवी चैनल पर खूब दिखाया है, सैकड़ों पुलिस वालों को 20 फीट नीचे कुएं में धकेल देते हैं, वो घायल हो जाते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, तो आप कहते हैं ये अभिव्यक्ति की आजादी है? ये कौन सा दोहरा मानक है? आप लद्दाख को चीन का अंग बता करके मैप दिखाते हैं ट्विटर पर, हमें 10 दिन 12 दिन कोशिश करनी पड़ती है उसको हटवाने के लिए, ये नहीं चलेगा। सीबीएसई 12वीं के नतीजों का क्राइटेरिया क्या होगा, ये सवाल सबके मन में है, इससे आज सस्पेंस खत्म हो सकता है। दरअसल सीबीएसई की तरफ से आज ही सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा, इससे बताया जाएगा कि 12वीं के नतीजे का फॉर्मूला क्या होगा। तो एससी में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई अब जवाब मांगेगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते में सीबीएसई से जो जवाब मांगा गया था रिजल्ट का क्राइटेरिया तय करने के लिए, 13 सदस्य कमेटी इसके लिए गठित की गई थी, कोरोना संक्रमण की वजह से 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि कोरोना जिसकी वजह से इस साल की 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, लेकिन लखनऊ के सीएमएस स्कूल्स के संस्थापक जगदीश गांधी ने कहा कि सरकार को कोरोना काबू में आने के बाद अब परीक्षाएं करा लेनी चाहिए। जगदीश गांधी ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख दिया है। परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अप्रैल मई में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप ऐसा था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं की सीबीएसई परीक्षाएं न कराने का फैसला लिया था। लोगों से मिलने का मोह इस बार छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन अब जब कोरोना काबू में आता दिख रहा है तो 12वीं की परीक्षाएं न कराने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग उठी है। 12वीं की परीक्षाएं कराने के समर्थन में जो सबसे बड़ी आवाज है वो है लखनऊ के सीएमएस स्कूलों के संस्थापक जगदीश गांधी की। जगदीश गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि परीक्षाएं कराना ही छात्रों के हित में है। जगदीश गांधी के मुताबिक अब जब कोरोना के मामले कम हो गए हैं तो सरकार को 12वीं की परीक्षाएं न कराने के फैसले को बदलना चाहिए। जगदीश गांधी का सवाल है कि जब जेईई और नीट जैसी परीक्षाएं हो सकती हैं तो 12वीं की परीक्षाएं क्यों नहीं हो सकती हैं? उनके मुताबिक इंटरनल असेसमेंट से घोषित नतीजा पूरी तरह सही नहीं हो सकता है। यदि कोरोना होता तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोरोना समाप्ति पर है तो अब तो परीक्षा होनी चाहिए। और जब नीट की हो रही है और IIT की हो रही है और यूनिवर्सिटी तो इम्तहान लेगी, यदि यूनिवर्सिटी में इम्तहान होगा या तो यूनिवर्सिटी के लिए ऑर्डर कर दें कि आपको कोई इम्तहान नहीं लेना है, हर बच्चे को देना है, तो 6 लाख बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे, तो सीटें तो 64,000 है, कहाँ से भर्ती कर लेंगे सबको? तो उन्हें टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा, तो टेस्ट लेते ही इम्तहान लेते हैं तो वो भी तो इम्तहान लेंगे, तो इंटरमीडिएट के बच्चों का इम्तहान तो हर हालत में होगा। जगदीश गांधी जैसे स्कूल मैनेजमेंट से जुड़े लोग ही नहीं, कई छात्र भी सोच रहे हैं कि काश परीक्षाएं होती तो अच्छा होता। 10वीं में 98% नंबर हासिल करने वाली अक्षिता सिंह ने 12वीं की परीक्षा के लिए खूब तैयारी की थी ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले, लेकिन परीक्षाएं रद्द होना उन्हें मायूस कर गया है। ऑफ कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी वन ऑफ द प्राइम कॉलेजेस है जो हर बच्चा एम करता ही एक बार अपनी लाइफ में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मैं एम कर रही थी। अभी अगर एग्जाम नहीं होंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आई थिंक गवर्नमेंट एक एंट्रेंस एग्जाम निकालने की बात कर रही थी, CUCET जिसका नाम है, अगर वो निकालती है तो हमारे पास अभी भी 2 मंथ्स का विंडो है, बट अगेन अगर पहले से पता होता तो हम उसे उसमें प्रिपरेशन करने के लिए अपना पूरा साल दे सकते थे। कई शिक्षाविद मान रहे हैं कि 12वीं की परीक्षाएं अभी भी पैटर्न बदल कर हो सकती है। बहुवैकल्पिक यानी MCQ पैटर्न पर अलग अलग शिफ्ट में परीक्षाओं का विकल्प चुना जा सकता है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती बंगाल के सियासी बदलापुर में फंस गए हैं। ये सवाल इस नाते उठ रहा है क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती अब कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। कोलकाता की रैली में मिथुन ने खुद को कोबरा कहा था। इस बयान को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। आधे घंटे तक पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की। আর সেটাই আমি, আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। আমি জানি আপনারা আমার ওই ডায়লগটা শোনার জন্য ওয়েট করছেন। হ্যাঁ জানি জানি, মারবো এখানে, লাশ পড়বে শ্মশানে। আজ আমি এই মঞ্চে যেখানে ভারতবর্ষের সব থেকে বড় বড় লিডার্সরা বসে আছেন, আর তার ঠিক কিছুক্ষণ পরেই ওয়ার্ল্ডস বিগেস্ট ডেমোক্রেসিস বিগেস্ট লিডার আওয়ার বিলাভেড প্রাইম মিনিস্টার মিস্টার নরেন্দ্র জি মোদী জি ইয়া পৌঁছেঙ্গে। ইয়ে সপনা নেই তো ক্যা হ্যায়, এটা স্বপ্ন নই তো কি। মায়া মিলি না রাম, লাইট ক্যামেরা অ্যাকশন কি দুনিয়া সে সিয়াসত কি দুনিয়া মে গাজে বাজে কে সাথ আয়ে থে দাদা। गुमान था कि फिल्मी दुनिया की तरह सियासत में भी उनकी दादागिरी चलेगी, लेकिन यहां तो उन्हें लेने के देने पड़ गए। पंगा नहीं लेना, मिट्टी में मिला दूंगा। कई फिल्मों में पुलिस अफसर की भूमिका निभाने वाले मिथुन चक्रवर्ती निजी जिंदगी में खुद ही पुलिस के चक्कर में फंस गए। कोलकाता पुलिस ने उनसे उनके विवादित भाषण को लेकर लंबी पूछताछ की। पूछा कि आपने जो ये अपने डायलॉग्स दिए हैं, इसमें आपको हिंसा की कोई आपको संभावना दिखती थी कि नहीं दिखती थी? तो उसमें मिठुन दा ने ही बोला कि मैं कलाकार हूं और मेरे मैं तो केवल डायलॉग्स की डिमांड होती है जब मैं कहीं जाता हूं, और ये मैं 2006 से कर रहा हूं। मैं जब ममता जी के यहाँ, जब 2014 में भी इलेक्शन था, 2016 में भी था, तो भी मैंने ऐसे ही डायलॉग्स दिए थे, फिल्मों के डायलॉग्स दिए थे। तो ये सडनली अभी कैसा ये हो गया कि इससे अब हिंसा बढ़ गई? सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये मामला दरअसल है क्या। पिछले 7 मार्च को मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए थे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में मोदी ने खुद दादा का इस्तकबाल किया था। आज तो हमारे बीच बांगलार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। दादा जोश में थे, उनके चाहने वाले तालियां बजा रहे थे। दादा का जोश बढ़ा और उन्होंने बांग्ला में डायलॉग मार दिया। अमी जल ढोड़ाओ नोई बेले बोड़ाओ नोई, अमी एकटा कोबरा गोखड़ो अमी, আমি জল ঢোড়াও নই বেলে বড়াও নই আমি জাত কোখড়ো এক ছবলে ছবি। মিথুন কা ইয়ে কোবরা ওয়ালা ডায়লগ তো ফিল্মি থা, লেকিন 3 মহিনে বাদ উনকে লিয়ে ইয়ে ডায়লগ গলে কি ফাঁস বন গিয়া। জব তক বিধানসভা চুনাও চলা তব তক তো সব ঠিক থা। 2 মই কো চুনাওয়ো কে নতিজে আয়ে, সরকার বনানে কা দাওয়া করনে ওয়ালি বিজেপি হাশিয়ে পর চলি গই। বঙ্গাল মে দিদি কা জলবা কায়ম রহা। विधानसभा चुनाव में जीत के 4 दिन बाद टीएमसी ने मिथुन चक्रवर्ती को कानूनी चक्कर में खींच लिया। 6 मई 2021 को कोलकाता के मानिकलता थाने में मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। टीएमसी के एक सदस्य ने ये एफआईआर दर्ज करवाई। टीएमसी सदस्य ने आरोप लगाया कि मिथुन के डायलॉग के बाद ही चुनाव में हिंसा हुई, मिथुन के डायलॉग ही हिंसा की वजह बने। एफआईआर में मिथुन को चुनावी हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।
मिथुन के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 504, 505 और 34 के तहत केस दर्ज कराया गया। ये मामला एक तृणमूल के एक नेता ने एक एफआईआर फाइल किया था अगेंस्ट मुकुल अगेंस्ट द मिथुन चक्रवर्ती, ये कहते हुए कि इनकी जो दो विख्यात जो डायलॉग्स हैं पिक्चर की मूवीज की उसके कारण ही ये हिंसा जो बंगाल में जो हिंसा हुई है वो उसका एक सूत्रधार है। वो दो डायलॉग शायद वही है, एक डायलॉग है आपका कि मारबो खाने लास्ट पड़ो शशाने, एक ये है और दूसरी जो डायलॉग है वो ये है कि कोबरा वाला, बस ये दो डायलॉग है। इसको लेके उन्होंने एक छोटा, जबकि उसमें कोई केस मेड आउट नहीं हुआ है, ये प्योर एग्जाम्पल है कि कैसे मिसयूज कर सकते हैं आप कोई भी प्रशासन को। पुलिस ने बिना कोई इंक्वायरी के बिना कुछ के उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दिया। चुनावी चक्कर से निकले तो कानूनी चक्कर में फंस गए दादा। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका ये सुपरहिट डायलॉग उन्हें कानूनी दांवपेच में फंसा देगा। मिथुन चक्रवर्ती ने एफआईआर के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मिथुन ने याचिका में अपने खिलाफ हुई एफआईआर को खारिज करने की मांग की। मिथुन ने हाईकोर्ट में कहा कि इस तरह के फिल्मी डायलॉग सिर्फ मनोरंजन के लिए थे, इस मामले में वो बेकसूर है। उन्होंने दावा किया कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह गलत हैं। हाईकोर्ट ने पुलिस को मिथुन से वर्चुअली पूछताछ के निर्देश दिए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होने वाली है, जहां मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से महेश जेठमलानी कोर्ट में पेश होकर मिथुन का पक्ष रखेंगे। ने हाईकोर्ट मूव किया था, हाईकोर्ट के दिन जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने टाइम मांगा था। हमारे भी जो सीनियर एडवोकेट थे मिस्टर जेठमलानी साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला कर रहे थे, तो हमने भी थोड़ा आधा घंटे का समय मांगा था। जज ने कहा कि इसको हम अगले सप्ताह आने वाले शुक्रवार को फिक्स किया है, और तब तक हमें कहा है कि आप कॉपरेट करिए विद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अगर जरूरत पड़े तो उनसे आप बात कर लीजिए, लेकिन वो वर्चुअल होगा। मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज इस एफआईआर को अब बदले की सियासत से जोड़ा जा रहा है। कभी टीएमसी के वफादार रहे मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी से गलबहियां करने लगे तो ये टीएमसी को रास नहीं आया। नतीजा सामने है, लोग कह रहे हैं कि डायलॉग तो बहाना है, मकसद मिथुन को फंसाना है। मिथुन चक्रवर्ती को शायद ही थोड़ा सा गुमान था कि कोलकाता में प्रधानमंत्री की ब्रिगेड परेड रैली में उनका बोला गया डायलॉग उनके गले की हड्डी बन जाएगा। हालांकि थोड़ा आभास तो हो गया था उन्होंने, क्योंकि उसके बाद की चुनावी जनसभाओं में उन्होंने इन डायलॉग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों डायलॉग का उन्होंने इस्तेमाल जितना बीजेपी के लिए नहीं किया उससे ज्यादा टीएमसी की जनसभाओं में किया, लेकिन मामला और मुकदमा उन पर अभी हुआ। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक कोलकाता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एंटीलिया मामले में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा पर शिकंजा कस गया है। एनआईए की टीम प्रदीप शर्मा के मुंबई स्थित घर पर मौजूद है, प्रदीप शर्मा से पूछताछ की जा रही है। एंटीलिया मामले को लेकर मुख्य आरोपी प्रदीप शर्मा से एनआईए की पूछताछ चल रही है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी को लेकर अभी कोई बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन एक टीम है एनआईए की जो इस वक्त पूछताछ कर रही है प्रदीप शर्मा से, और उनके घर पर मौजूद है जो कि अंधेरी स्थित है। स्थानीय पुलिस प्रशासन का भी उन्हें सपोर्ट दिया जाएगा और पिछले काफी घंटे से पूछताछ की जा रही है। सचिन वाजे के मेंटर है प्रदीप शर्मा और इसी बाबत उनसे ये पूछताछ चल रही है। इससे पहले भी एनआईए पूछताछ कर चुकी है।